नमस्कार मैं हूं प्रकाश सुशौद्र पेश करूंगा वीकली हाउस को वीक सिंह चौदह दिसंबर से लेकर बीस 20 दिसंबर 2020 का पूरा वीकली हजार बीस का पूरा भारतीय ज्योतिष शास्त्र साइन बेसाहब आपकी लग्न राशि आप सबके लिए बात सभी मुराद है धन राशि के दोस्तों से चंद्रमा का गोचर सर्जिट्रेस के लिए अगर हम बात करेंगे बारहवें घर में बारह दिसंबर से लेकर चौदह दिसंबर तक तो. चंद्रमा गोचर बारहवें भाव में चंद्रमा गोचर बारहवें भाव में होगा फाइनेंशियल लॉस लेके आएगा चंद्रमा गोचर बारहवें भाव में होगा बहुत रफ फेस से गुजरेंगे चंद्रमा गोचर बारहवें भाव में होगा आप इस समय बिना सोचे विचारे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें चंद्रमा गोचर बारहवें भाव में होगा आपकी कोई वैल्यूबल आइटम प्रेशस आइटम गुम हो सकती है आप किसी चोरी ठगी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं चंद्रमा गोचर जब बारहवें भाव में होगा ऐसी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिसकी बल जिसकी बदौलत आपके सर पे कर्जे चढ़ जाए चंद्रमा गोचर जब बारहवें भाव में होगा आपको आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे चंद्रमा गोचर जब बारहवें भाव में होगा हेल्थ का बहुत ध्यान रखें आईसाइड का बहुत ध्यान रखें इन्फेक्शन से बच के रहें मेंटली तौर पर बेचैनी बहुत होगी और कई बार मायूसी बड़ी होगी फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी चंद्रना को जब बारहवें भाव में होगा नेगेटिव मेंटालिटी से दूर है जलसी से दूर हैं बहुत केयरफुल रहे अपने डिसीजन चॉइसेस को लेकर जब लोगों से डील करें इंपल्सिव ना बने अपने बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से चलाएं और लूज एटीट्यूड से दूर रहें सोच विचार करके हर भी काम करें बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें बिना सोचे विचारे को पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें कई बार आप इमोशंस की बजाय दिमाग लेके आए हर जगह पे इमोशन मत लेके आए इमोशंस से अगर आप कैरेडवे हो गए तो आप अपना नुकसान खुद कर देंगे फिर आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी इस समय अकल से काम लेना होगा इमोशन से नहीं बहुत केयरफुल रहे जब लोगों से डील करें बहुत केयरफुल रहें किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी आपको आप डील करना पड़े दुश्मनी से बचें परेशानियों से बचें और अपनी रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें सोच समझ के चले जल्दबाजी ना करें हिस्ट्री ना बने लेकिन नुकसान आपका होगा चंद्रमा का गोचर सरजी के लिए राशि के लिए पहले भाव में चौदह दिसंबर से लेकर सत्रह दिसंबर चंद्रमा, का। चंद्रमा का गोचर लगन में पहले भाव में फर्स्ट हाउस पर चंद्रमा गोचर ट्रांजिट मून का पहले भाव में फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा के ट्रांजिट के दौरान पहले घर में आए तो हर तरह की सुख सुविधा मिलती है खुशियाँ मिलती हैं कंफर्ट मिलती है साथ मिलता है लग्जरी मिलती है लाइफ अच्छा मिलता है दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलती है गाइडेंस मिलती है प्यार मोहब्बत इश्क मिलता है मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है आप आपकी खुशी में राइज होती है हालात में इम्प्रूवमेंट होती है हवा में प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलता है लोग आपका साथ देते हैं चाहे चंद्रमा गोचर लगन में हो पहले भाव में हो फर्स्ट हाउस में हो मून का पहले भाव में हो ओवरऑल बड़ी खुशहाली का टाइम होता है और ये टाइम पीरियड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपका नाम होता है आपकी तरक्की होती है बीमारियों से फारिग होते हैं परेशानी कम होती है दिमाग में सुकून होता है आप मेंटली फिज़िकली कंटेंट होते हैं ओवर सेंसिटिव ना हो इस दौरान और मेरा ये भी मानना है ये पीरियड ऐसा है टेक्निकली फाइनेंशली बहुत ध्यान से चलना होगा कई बार पुराने मरे हुए पैसे आपको इस टाइम के दौरान मिल सकते हैं फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे सक्सेस आपको मिलेगी प्रोग्रेशन आपको मिलेगा तरक्की आपकी होगी नाम आपका होगा चंद्रमा का गोचर आपके दूसरे भाव में उन्नीस दिसंबर, दिसंबर। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में चंद्रमा गोचर जब सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट के दौरान सेकंड हाउस में उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा पैसे का बहुत ध्यान रखें फाइनेंशियल लॉस से बच के रहे बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो लोगों की बातों में ना आए अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप यह कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है या आपको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं टाइम ना लगाएं सक्सेस आपको सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए वो ना लें वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे आपको बेवकूफ़ बना देंगे आपको हरास कर देंगे वो ना करें गलत संगत से दूर रहें चोरों ठगों से बच के रहें फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और रेपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी गलत संगत से दूर रहें काम में रुकावट है इसमें डटे रहना होगा ये टेम्प्ररी फेज़ है परमानेंट नहीं है वर्क आपको करना पड़ेगा मेंटली फिजिकली आपको बहुत कई बार परेशानी बहुत होगी वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे दिमागी तौर परेशानी बहुत होगी मन में संतुष्टि नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी वही एक मेथड है परेशानी से परमानेंट फारग होने का भगोड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी वही एक तरीका है सक्सेस का चंद्रमा का गोचर सज्जी के तीसरे भाव में उन्नीस दिसंबर से लेकर इक्कीस दिसंबर चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव में ट्रांसिट में चंद्रमा जब गोचर के दौरान ट्रांसिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कामयाबी आपको मिलेगी आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिसिएशन मिलेगी रेगुलेशन मिलेगी ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी मरे हुए पैसे जिंदा होंगे पैसा मिलेगा सक्सेस मिलेगी नाम होगा तरक्की होगी चंद्रमा गुजर जब थर्ड हाउस में होगा खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इन्जॉय करेंगे क्लोजनेस को बहुत इन्जॉय करेंगे कंपानियनशिप को बहुत इन्जॉय करेंगे खुशहाली आपको मिलेगी और जिस टाइम पीरियड मेंटली सैटिस्फेक्शन आपको मिलेगी दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे अच्छे दिनों तो की शुरुआत होगी तो जितनी धन राशि की दोस्तों सारे वाले व्यक्ति सूर्य बुध शुक्र मंगल राहु केतु पे काम करना होगा ये काम करें किया जाएगा तो प्रोफेशनल लॉसेज नहीं होंगे पैसे का नुकसान नहीं होगा चलते चलते जो रामधन का रास्ता बंद नहीं हो जाएगा पारिवारिक खुशियाँ बनी रहेंगी स्टेटस प्रेसिस का नुकसान नहीं होगा अगर आप चाहें उपाय पद्धति मंत्र साधना प्रिकॉशन का प्रयोग करें और इन ग्रहों को आपने थोड़ा इन पर काम करने का आपको मौका मिलेगा अगर आप चाहें वीकली हॉरस्कोप रिपोर्ट हासिल करें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा प्रकाश डॉट कॉम की वेबसाइट पे जाएं और पूरी वीकली हॉरस्कोप की रिपोर्ट को, को लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें जो चाहे हासिल करें आपका इस वीकली हॉरस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया क्या आप जानना चाहते हैं कि आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे सिचुएशंस कैसी होंगी अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं मूड कैसा होगा आपका व्यवहार कैसा होगा लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे आपकी सोच कैसी होगी इन्वामेंट कैसा होगा क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते वो अच्छे बना पाएंगे क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक पे अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उबरने के लिए चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है तो आप किस किस इंतजार में कर? इस तुरंत आप अपना वीकली हॉरोस्कोपी की रिपोर्ट लीजिए वीडियो में भी है रिटर्न में भी जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है हमारी वेबसाइट प्रकाश और डॉट कॉम को विजिट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें मैं चाहता हूं कि आप सर्वसंपन्न हों खुशहाल हों तंदुरुस्त हो और हारमोनियस जिंदगी में जी रहे हों